सब्सक्राइब करो मयू आर्ट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाओ आर्ट्स और क्राफ्ट्स के लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आपका स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल मयू आर्ट्स पे। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की रियलिस्टिक स्केच, जो आपको आखिर तक देखना है। अगर आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करो। तो चलिए हम टाइगर श्रॉफ की ड्राइंग या स्केच के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पहले इसे अपने जो ब्लैक पेन है उससे हम इसकी आंखें को पूरा कलर कर देंगे। अगर आपके पास कोई बहुत डार्क पेंसिल हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं बालों को नहीं किया, सीधा सीधा पेंट ये करूँगा स्केच, ताकि यहाँ पे हम पिक्चर में भी हमें कोई उतना ये नहीं दिख रहा है डिटेलिंग। तो हम इसे पूरा ऐसा ब्लैक ब्लैक कर देंगे और बाद में ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। दोस्तों अभी हम डिटेलिंग करेंगे जहाँ जहाँ पे इसके स्किन, जैसे टाइगर श्रॉफ के स्किन पे मार्क है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। इसके टीथ के बीच में जो स्पेसिंग है जो हमें ब्लैक कलर से दिख रही है उसे हम किसी एक डार्क चारकोल पेंसिल से कर सकते हैं। तो अब बारी है इसके जो मुस्टैच है या जो ब्रीड है उसको हम इसे हल्के हल्के डॉट डॉट पेंसिल के लाइन से हम इसे पूरे ऐसा डार्क बना देंगे, इससे जिससे कि ये पूरा ऐसा रियल लगे। हम इसमें ज़्यादा हमें लंबी लंबी लाइन नहीं खींचनी, हमें धीरे धीरे से इसे। तो दोस्तों अब बारी आती है शेडिंग की। अभी हमें हल्की हल्की शेडिंग करनी है। अगर हमें एक साथ डार्क शेडिंग कर दी तो बाद में हम उसे रब नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने हल्की की तो हम उसे बाद में डार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, आप अपने जो शेडिंग करेंगे वो हमेशा डार्क ही करेंगे, लाइट ही करेंगे, कभी डार्क नहीं करेंगे। अभी हम दोस्तों इसके थोड़ा सा और इसके हाई डिटेलिंग पे जाते हैं, जहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पे मैं ऊपर में इसे ये नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो उसकी जो हाईलाइट है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अब इसकी नेक की बारी है। नेक तो पूरी हमें थोड़ी बहुत डार्क ही लग रही है, तो हम इसे थोड़ा डार्क ही बनाएंगे। तो अब बारी है इसे ब्लेंड करने की। हम ब्रश का यूज़ करेंगे इसे ब्लेंड करने में, और आप चाहे तो ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसकी जो दाढ़ी वगैरह है वो थोड़ी सी हम उसे डार्क करेंगे, और जो आईब्रोज है उसे भी डार्क करेंगे। तो आप क्या करना, आपके पास अगर डार्क पेंसिल हो तो आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैं अभी थोड़ी सी एक ब्लैक पेन ले रहा हूँ जिससे मैं इसे अच्छे से कर सकूँ। अभी जो हाईलाइट्स है उसे हमें दिखाना है, तो हमें इसे जहाँ जहाँ पर डार्क है वहाँ पर हमें डार्क शेडिंग करनी है। तो अब बारी है इसकी शर्ट की, जो मैं बना रहा हूँ उसके आप देख सकते हो उसके शर्ट पर भी लंबे लंबे लाइन्स है, तो हम भी यहाँ पर लंबे लंबे लाइन्स ही बना देंगे। अब बारी इसके जो डिटेलिंग की है, हम उसे शेडिंग और ब्लेंडिंग कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसे हमें थोड़ा सा और डार्क करना है, जो इसकी नेक लाइन और हाईलाइट्स है उसे हमें अच्छे से दिखाना है। तो अभी हमें यहाँ से ब्लेंडिंग और जो जहाँ जहाँ पे हमें हाईलाइट दिखाने हैं वहाँ वहाँ पे हमें इसे अच्छे से ये करना पड़ेगा। तो अभी हमें मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प और रबर का यूज़ कर रहा हूँ। रबर से जहाँ जहाँ पे हमें हाईलाइट दिखते हैं वहाँ वहाँ पे हम बाद में ब्लेंडिंग स्टम्प से उसे ब्लेंड कर देंगे। दोस्तों यहाँ यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ पे हाईलाइट चाहिए हम उसे बाद में ब्लेंडिंग ब्रश से रब इरेजर से रब करके ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो करो सब्सक्राइब चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय बाय।